वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर विकास हुकूक विद अंबर में। आप सबको कहती हूं खुशामदीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, गांव की रिवायती। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिवैयां, जिसको पंजाबी में कहा जाता है पोटे वाली सिवैयां, जबकि उर्दू में हम इसे कहते हैं कि मैदे से बनने वाली हाथ की सिवैयां। सो इन सिवैयों को बनाइए, जार में भरिए, आप पूरा साल इन सिवैयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजॉय कीजिए ये रेसिपी अपने प्यारों के साथ, बहुत ही डिफरेंट बनेंगी। चलिए अब चलते हैं किचन की जानिब और आपको बताते हैं इसकी डिटेल रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स। जी तो व्यूअर्स, बारिश का मौसम हो और गरम गरम पोटे वाली सिवैयां हो तो क्या ही कहने। तो आज मैंने सोचा आपके लिए बनाई जाए मैदे से बनी हुई या हाथ से बनी हुई पोटे वाली सिवैयां। ये सिवैयां बहुत हेल्दी होती हैं और मैदे से बनाई जाती हैं। सो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 2 कप के करीब सिवैयां। मेजरमेंट के लिए मैंने ये वाला कप इस्तेमाल किया है, आप कोई भी रेगुलर कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी 1 कप, पानी लेंगे 3 कप। याद रखिए कि मेजरमेंट हम एक ही सेम कप से करेंगे। नट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास 2 अदद इलायची है। खुशबू के लिए हम 2 अदद इलायची इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो पूरी इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसके सीड्स निकाल के यूज़ करूँगी। 1 अदद लौंग दाने मेरे पास किशमिश के हैं। फाइन चॉप करके मैंने पिस्ता लिया है। 8 से 10 अदद बादाम। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर नारियल मौजूद है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 1 पैन, जिसमें हम शामिल करेंगे सिवैयां। मीडियम फ्लेम पे इन सिवैयों को हम सूखा रोस्ट करेंगे। इन सिवैयों को आप अच्छी तरह रोस्ट करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। फ्लेम मीडियम रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको हिलाते जाएंगे। जी तो सिवैयों का कलर थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा होना शुरू हो गया है। अगर आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सिवैयां रोस्ट हो गई हैं। इसको हम इक्वली रोस्ट करेंगे। याद रखें कि सिवैयां टूटनी नहीं चाहिए। अब हम थोड़ा सा मीडियम में फ्लेम करते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए सिवैयों को इस तरह से हिलाते हैं ताकि सारी की सारी सिवैयां जो हैं वो रोस्ट हो जाएं। चूल्हा बंद करते हैं और इन सिवैयों को वापस से ट्रे में निकालते हैं। जी तो व्यूअर्स, सिवैयों को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब हम सेम पॉट में देसी घी शामिल करते हैं। ये मेरे पास देसी घी है, मैंने घर पे खुद बनाया है। ये हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। सिवैयों का अब हम तड़का बनाएंगे। अब हम घी में शामिल करेंगे 1 अदद लौंग और 2 अदद इलायची के दाने, जो कि मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं। जी तो जैसे ही इलायची के दानों की खुशबू आएगी, इसमें हम शामिल करते हैं शुगर 1 कप। चीनी को थोड़ा सा घी में मिक्स करते हैं और इसमें पानी शामिल करते हैं 3 कप। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करते हैं। जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मिक्स होगी, फिर हम इसमें सिवैयां शामिल करेंगे। बारिश के मौसम के अकॉर्डिंग ये सिवैयां बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, सबको बहुत पसंद आती हैं। बस फिर ये 10 मिनट में बनने वाली सिवैयां आप घर पे बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। जी तो चीनी हल होना शुरू हो गई है। अब हम इसके 1 से 2 बॉईल का वेट करते हैं। जैसे ही 1 से 2 बॉईल आएंगे, फिर हम इसमें सिवैयां शामिल करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए शीरा पकना शुरू हो गया है। खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है, इलायची की, लौंग की, चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। तो इस स्टेज पे हम सिवैयां शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी तो फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम सिवैयों को कवर किए बगैर पकाते हैं।
जैसे 70-80% जो है वो सिवैयाँ कुक हो जाएंगी, फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो अब हम 2-3 मिनट का वेट करते हैं और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। यस, जी, तो सिवैयों का पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है और तकरीबन 50-60% जो है वो सिवैयाँ हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसको कवर करते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए कुक करते हैं। जी तो व्यूअर्स, 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। इस स्टेज पे हम सिवैयों को दम देंगे। अगर आप चाहें तो मीठा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, लेकिन जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसके मुताबिक मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। तो अब हम इसको दम लगाते हैं तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। जी तो व्यूअर्स, 8-10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम सिवैयों को चेक करते हैं। माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देसी घी की, इलायची की। ये देखिए कितनी नाइस वेल ग्लेज्ड और खिली खिली सिवैयाँ बनी हैं। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, आप बच्चों को दीजिए, बूढ़ों को दीजिए। ये रेसिपी बहुत हेल्दी है। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तब इसकी टॉपिंग पे हम ऐड करते हैं नट्स। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार पोटे वाली सिवैयाँ रेडी हो चुकी हैं। आई होप आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, इस रेसिपी को बनाइए और कीजिए अपने प्यारों के साथ शेयर। जी व्यूअर्स, आई होप ये ट्रेडिशनल रेसिपी, मेरी जो दादी अम्मा की रेसिपी थी, आपको अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को दूध के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसको आपको दम वाली मीठी सिवैयाँ बनाना सिखाई। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।